तो क्या कैसा ये ट्रिक है, हम करते कुछ गंदा है लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो काफी बेहतरीन होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने रिसेंटली एक वाटर कलर का ड्राइंग अपलोड किया था, वीडियो भी है, आप लोगों ने देखा होगा शायद। तो मतलब गंदा हमने बनाया था, एकदम गंदा करके बनाया था, उल्टा उल्टा करके। तो उसी को मतलब स्क्रिबलिंग करते करते मैंने वहां पर वाटर कलरिंग भी किया, लेकिन उसको मतलब देखने के लिए काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। अगर अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाके देख लेना। क्या कैसा ये ट्रिक है, हम करते कुछ गंदा है लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो काफी बेहतरीन होता है। तो इसी आज वाटर कलर के बारे में इस वीडियो पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं और अपने अंदर का कलाकार बाहर लाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पेपर की बात करूँ तो यहाँ पर मैं ब्रुस्टो ब्रांड का जो ये वाला टेक्सचर पेपर है, थोड़ा सा मतलब मीडियम ग्रेन का पेपर है, इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप नॉर्मल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते, नॉर्मल पेपर मतलब जो आर्ट पेपर होता है, जो वाटर कलर हम अच्छे से कर सकते हैं, थोड़ा सा GSM बढ़ाओ। तो उसके बाद जो वाटर कलर है, मैं ये कैमल का वाटर कलर जो कि चीप प्राइस पे मिलता है, 70 रुपीज लिया था। तो इसी से हम जो पूरा पेंटिंग है उसको हम करेंगे। तो ये अंदर से थोड़ा सा गंदा लग रहा है, खैर कोई बात नहीं, इसका ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है रफ आउटलाइन। एकदम रफली हम यहाँ पर एक बिल्डिंग का स्केच कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो थीम है वो मैंने लिया है अर्बन स्केच। तो एकदम हल्के हाथों से हम एक स्केच करेंगे। उसके बाद जो मेन पार्ट आता है यहाँ पर पेन एंड इंक। तो काफ़ी सारे लोग सुना होगा पेन एंड इंक क्या होता है, पेन एंड इंक। तो मतलब पेन से हम इसको इंकिंग करेंगे, पेन से हम स्केच करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक स्टाइल है। तो ये स्टाइल ये है कि यहाँ पर हम एकदम मतलब रफली हम इसको स्केच करेंगे, ज़्यादा इतना अच्छे से नहीं बनाएंगे। ये हमारे माइंड पर इसको अच्छे से आप सुन लो कि इसको हम अच्छे से नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस स्केच का नाम ही है लूज वाटर कलर स्केच। लूज मतलब एकदम हल्के हाथों से आप कुछ भी करो, थोड़ा सा स्क्रिबलिंग करो, लाइन सीधा होना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा इस वाले टेक्निक पर। अगर हम अच्छे से लाइन बनाएंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, ये कुछ दिखने के लिए ही ऐसा होता है। हम स्क्रिबलिंग करके पूरा स्केच आउटलाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग का स्केच है एकदम रफली आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ना एक स्ट्रेट लाइन है, कुछ भी स्ट्रेट नहीं है। ये रफ स्केच हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कलरिंग करेंगे वाटर कलर से। तो ये काफ़ी इजी एक प्रोसेस है, इससे आप क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी जाके आप बहुत ही आसान तरीके से ये वाला स्केच बना सकते हैं। यहाँ पर आपको परफेक्ट होना कोई ज़रूरत नहीं है। कई कई लोग हैं जो कि परफेक्टली ड्राइंग करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, ये ड्राइंग परफेक्ट करता ही नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा ड्राइंग तो सभी लोग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये ड्राइंग सभी लोग कर सकते हैं। बहुत ही ईजी एक टेक्निक होता है ये वाटर कलर का, जो कि होता है लूज वाटर कलर स्केच। हम लूजली मतलब हैंड फ्रीली हम कुछ बनाते हैं, अपनी मर्जी से एकदम फुल कॉन्फिडेंट पर हम बनाते हैं। कोई हम मतलब डर वगैरह नहीं होता है। कई कई लोग होते हैं कि डरते हैं ड्राइंग करने के लिए, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है। आप अपनी मर्जी से जो दिख रहे हैं उसको आप बिंदास बनाते जाओ, आपको कोई जज नहीं करेगा, क्योंकि ये टेक्निक ही ऐसा है, आपको कोई जज नहीं करेगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ड्राइंग करो, देखो अच्छा है बनाओ, लाइन स्ट्रेट नहीं होने से भी होगा। या अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो मेरा बिल्डिंग का स्केच था इतना परफेक्ट नहीं था, क्योंकि ये ड्राइंग परफेक्ट नहीं बनाते हैं। तो इसको हम दूर से दिखने से ऐसा लगेगा कि हाँ ये बिल्डिंग ही है, लेकिन अगर हम एकदम पास से देखेंगे तो यहाँ पर हमको रफ स्केच नज़र आएंगे। तो इस टेक्निक का मतलब ही कुछ इस तरह से, रफ मतलब हम बनाते हैं, ड्राइंग रफ होगा, उसके बाद कलर भी हम रफली बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक हमको बात याद रखना होगा कि जो पर्सपेक्टिव वगैरह होगा, जो कॉन्सेप्ट वगैरह होगा, वो हमको अच्छे से बनाना पड़ेगा। अगर आप पर्सपेक्टिव पर अच्छे से नहीं बनाओगे और उल्टा सीधा कलर आप समझ में आ रहा है, मतलब जो कलर कम्बिनेशन है, जो कलर थ्योरी होते हैं, जो पर्सपेक्टिव वगैरह होता है, लाइट एंड डार्क शेड जहाँ जहाँ पर होता है, उसको हम अच्छे से इस पेंटिंग पर बनाएंगे, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। बस हम जो रफ आउटलाइन है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही एक सिंपल सा प्रोसेस है। और यहाँ पर जो हमारा स्केच है वो बनके रेडी हो चुका है। तो आप भी आप थोड़ा सा आउटडोर स्केच कर सकते हैं, या फिर स्टिल लाइफ हो, बर्ड हो, जो मन चाहे आप इस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर।